बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 6 को। जैसा कि हम बोर्ड पर देख पा रहे हैं बच्चों, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि ये पूर्णांक होते क्या हैं। तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं बच्चों, जीरो से अनंत तक के, ठीक है। अब हम यहाँ एक इनका पूर्णांकों का गुण देख लेते हैं बच्चों। जैसे पहली संख्या हम एक मान लेते हैं, दूसरी दो हो जाएगी, तीसरी तीन हो जाएगी और चौथी चार हो जाएगी। तो ये लगातार पूर्णांक है बच्चों। इसमें जब हम पहले पूर्णांक में एक जोड़ते हैं तो दूसरा पूर्णांक मिलता है हमें, और जब दूसरे पूर्णांक में जब हम एक जोड़ते हैं तो तीसरा पूर्णांक मिलता है, इस तरीके से। और जब हम तीसरे पूर्णांक में एक जोड़ेंगे तो हमें चौथा पूर्णांक मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पहले वाले में एक जोड़ते हैं तो हमें उसका आगे वाला एक पूर्णांक मिलता है। तो अगर ये हमें पता नहीं है कि ये पहला इसमें पूर्णांक कौन सा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले पूर्णांक को x मान लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x है। पहला जब हमारा x है तो दूसरा कैसे आएगा, जब हम पहले में एक जोड़ेंगे तब हमारा दूसरा पूर्णांक निकलेगा, तब दूसरा पूर्णांक होगा हमारा x धन एक। उसने तीन पूर्णांकों की बात करी है बच्चों, तीन पूर्णांकों की, तो दो तो हमने निकाल लिए, अब तीसरा कैसे लिख लेगा, जब हम इस दूसरे वाले में एक और जोड़ेंगे तब हमारा तीसरा पूर्णांक लिख लेगा, और तीसरा पूर्णांक होगा जब हम दूसरे में एक और जोड़ेंगे तब हमारा तीसरा पूर्णांक आएगा। x धन एक तो ये दूसरा पूर्णांक है ही, इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हमारा तीसरा पूर्णांक हो गया। तो एक और एक कितना होगा, ये दो, तो ये हो जाएगा x धन दो। अब वो बोल रहा है कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 51 होगा। तो जैसा वो बोल रहा है वैसा हम कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, पहला पूर्णांक क्या है x, तो यहाँ x रख दिया धन, दूसरा पूर्णांक क्या है x धन एक, तो धन में हमने x धन एक रख दिया, तीसरा पूर्णांक क्या है x धन दो, तो यहाँ पर हमने x धन दो रख दिया, और इनका जोड़ कितना आ रहा है बच्चों, 51 आ रहा है, तो बराबर में हम 51 रख देते हैं, तो ये आ गया 51। अब x x वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं, तो 1x 2x और 3x, ये कितने हो गए 3x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x धन, और ये दो और ये वाला एक, ये कितने हो गए, दो और एक तीन, तो ये हो गए 3, और बराबर में ये 51। अब ये धन के 3 इधर हैं, इस धन के 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये ऋण के 3 हो जाएंगे, तो इसे हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं बराबर के, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 51 ऋण 3। जब हम 51 में से 3 घटाते हैं तो कितना आएगा, 48, तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 48। अब जो बच्चों ये 3 यहाँ x के गुणा में है, इस 3 को हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये गुणा वाली संख्या भाग की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x बराबर 48 बटे 3। अब इस 3 से 48 को काट देते हैं, यानी कि 3 से 48 में भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचे, तो ये हो गया 18, और 3 6 18, तो x का जो हमारा मान है वो आ गया 16। तो ये हमारा पहला पूर्णांक आ गया बच्चों, तो यहां पर लिख देंगे पहला पूर्णांक कितना आ गया हमारा 16, तो यहां पर लिख दिया। दूसरा कैसे मिलेगा, जब हम पहले में एक जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा हमें, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक ये हो जाएगा 16 धन 1 17, और तीसरा पूर्णांक जब हम दूसरे में एक जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा पूर्णांक मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा पूर्णांक
17 धन 1 18। तो इस प्रकार से हमें तीनों पूर्णांक मिल गए जिनका योग हमारा 51 हो रहा है। तो ये पहला पूर्णांक आ गया हमारा 16, दूसरा आ गया 17 और तीसरा आ गया 18। तो इस प्रकार से हमारे ये बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 पूर्ण होता है। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बच्चों।